हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कटहल कबाब। ये जो छोटा वाला कटहल है, ये जो मैंने जो छोटी कटहली आती है वो कटहल लिया है। आप बड़े से भी बना सकते हैं, छोटे से भी। ये मैंने काट के रखा था इसलिए काला हो गया है। अब मैं इसे जा रही हूँ कुकर में बॉयल करने। इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा मैंने इसमें पानी भी ले लिया है। देखिए, पानी थोड़ा पानी लिया है, 1 कप के। ज्यादा पानी नहीं लेना है, हल्की सी 1 सीटी इसमें लगानी है खाली। डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसमें ये उबलते समय इसमें नमक, और डालेंगे हाफ आधी चम्मच से भी थोड़ी सी हल्दी इसमें, कि इसमें कलर आ जाए कटहल में। अब लगा देंगे इसमें कुकर के ढक्कन, और 1 सीटी आने तक हमको इसको बॉयल कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा कटहल बॉयल हो गया है। और ऐसा बॉयल करना है कि सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये देखिए कट रहे हैं पीसेस इसके। अच्छे से बॉयल करना है, 1 से 2 सीटी लगा लीजिए। अगर 1 सीटी में नहीं होता, मेरा कटहल सॉफ्ट था बिल्कुल, मतलब छोटा था, 700 ग्राम का था, है ना। और आपका थोड़ा बड़ा हो या बड़ा वाला कटहल हो तो उसके लिए 2 सीटी इनफ है। तो मैंने पोटैटो मैशर लिया है, आप कटोरी से भी इसको मैश कर सकते हैं। यूं दबा के इसको खूब अच्छे से महीन महीन मैश कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, हमें ये कटहल बिल्कुल महीन महीन मैश कर दिया है। इधर हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में क्या करेंगे, अगर आप लोगों के पास सत्तू का आटा है तो इसमें आप मिला सकते हैं इस कटहल में, ठीक है। और नहीं है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से ये बेसन का आटा लेंगे। बेसन हमें 2 चम्मच ये भर के बड़ी वाली सर्विंग स्पून इसके लिए लेना है। इसमें क्या करना है, हमें कढ़ाई में ऐसे ही बिना ऑयल के, बिना घी के इसको भून लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारा बेसन कच्चा नहीं रहेगा। हाँ जी, ये देखिए बेसन हमारा भून के तैयार है, इसे सुनहरा कर लेना है। हाँ जी, इधर हम लोगों को ले लेना है 2 से 2.5 मैंने प्याज लिया है। आप 2 भी प्याज ले सकते हैं, 2 से 3 भी ले सकते हैं। आधा नींबू ले लिया है, इधर 3 से 4 मिर्चा ले ली मैंने, और इधर थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा धनिया है, मतलब तो थोड़ी धनिया है थोड़ा पुदीना है, ठीक है। दोनों चीज हमने थोड़ी थोड़ी ले ली है, इसको कट कर लेंगे महीन महीन। इधर मसाले ले लिए हैं, थोड़ी सी लाल मिर्चा है, आधी चम्मच से भी कम है, और थोड़ा नमक, क्योंकि नमक हमें कम लेना है, इसलिए क्योंकि हमने कटहल बॉयल करते समय नमक हमने डाला है उसमें, तो उसमें नमक उतना ही लेना है हिसाब से। भुना हुआ जीरा है, ये है हींग हमारी, ये चाट मसाला, ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ये हमने काला नमक ले लिया है। इधर हम डाल लेंगे ये मसाले, ये सारे जो मसाले थे सूखे, इसी कटहल में हम डाल लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये हमने पुदीना, धनिया और प्याज और हरी मिर्च चॉप कर लिया है, ये हम इसमें कबाब में डाल देंगे। चटनी को हम कैसे भूल सकते हैं, कबाब के साथ चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर ले लिया है हमने धनिया, ये ले लिया है पुदीना। पुदीना मेरे गार्डन का है, ऊपर मेरे घर पे लगा हुआ है, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसकी खुशबू और अच्छी होती है, देसी है, छोटा वाला है। इधर 4 से 5 लहसुन की कलियां ली है मैंने, 2 हरी मिर्चा, इधर अदरक का 1 टुकड़ा लिया है और आधा नींबू लिया है, ठीक है। इसमें आप काला नमक और भुना हुआ जीरा भी डाल के चटनी को ग्राइंड कर सकते हैं। इधर हमारी चटनी पीस के तैयार है, अब हम कबाब की तैयारी करेंगे। हाँ जी, अब हमने बेसन भुना था, ये हमने ले लिया, ले लेना है, ठंडा हो जाए तब इसमें मिलाना है, गरम नहीं मिलाना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच ये जो हमने चटनी पीसी थी पुदीने की, ये वाली, अब हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे, ठीक है, इसी कबाब के मसाले में। सारे मसाले और उस बेसन डाल दिया कबाब के लिए तैयारी, 1 से 1.5 चम्मच तक डाल देंगे इस चटनी से ना।
बहुत अच्छा स्वाद आएगा कबाब में। कबाब के लिए हमारा तैयार हमने कर लिया है, और इसमें क्या करेंगे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के जितना बड़ा साइज चाहिए आपको, लंबे चाहिए जैसे लंबे बनाने हैं कबाब, जिस तरह से जैसे सीख कबाब बोलते हैं जिनको, सीख में लगा के बनाते हैं, करके लंबे लंबी साइज में भी आप बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं जैसे जैसे चाहे। देखिए हमने ले लिया है ये लोहे का तवा, आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं इसको, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में इसको भूनने से अच्छा स्वाद आता है कबाब का। इनके धीमे 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 गैस पे भून लेंगे इसको, हाई फ्लेम नहीं करेंगे, फ्लेम इसकी कम रखेंगे। हाँ देखिए दोस्तों ये कबाब हमारे बनके तैयार है, इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, घी से इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कबाब पराठे में घी का बहुत बड़ा हाथ है, घी नहीं डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तेल में इतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। हाँ जी दोस्तों ये देखिए हमारे कबाब बनके तैयार हैं। हाँ इधर चटनी भी हमने ले ली है, इधर पराठे। कबाब की वीडियो हमने अपलोड कर दी है और पराठे की जो वीडियो है इसके बाद आप लोगों को मिलेगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए कि पराठा मैंने कैसे बनाना है, कैसे बनाया है, उसका आप लोग वीडियो देख जाके देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो कबाब की रेसिपी और ये चटनी की, तो इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, मैं इसी तरह से वीडियो लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों।